हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इका व्लॉग। अभी हम लोग हैं यहाँ पे जंगल में, देखते हैं। काफ़ी धूप लग रही है तो कैंप लगाना पड़ेगा। इधर मैं चूल्हा जला चुका हूँ, लकड़ी जला चुका हूँ यहाँ पे, और मैं बनाने वाला हूँ आज पनीर का क्या बोलते हैं उसको, जो भी है तंदूरी टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इधर कैंप, और यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया कैंप लगाने के लिए। तो दोस्तों, अभी जस्ट बैक साइड में आपने देखा कैंपिंग। तो रानी झरना मुझे पहुंचने के लिए 2 दिन लगे, आई एम जस्ट जोकिंग। बस कैंपिंग किया और मुझे लगा कि अब आया हूँ तो वाटरफॉल देख के जाना तो बनता है, तो रानी झरना वाटरफॉल एंट्री करने वाले हैं। और कई बार आया हूँ यार मैं यहाँ पे, कभी कभी तो बोर हो जाता हूँ, लेकिन अब आया हूँ, पेट्रोल जला है भाई, तो वाटरफॉल देख के जाना तो बनता है। तो ये वही वाटरफॉल है रानी झरना, जिसमें वो जो 3 लड़के लोग थे ऊपर में खो गए थे, शायद वो सो गए थे थकान के कारण, और उसके बाद फिर उनकी जब नींद खुली तो रात हो चुका था,
और 112 को कॉल किया गया, फिर उसके बाद फिर रेस्क्यू किया गया। तो अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो ही ऊपर चढ़ें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 वीडियो बना के रखी है, ऊपर का वाटरफॉल कैसा है एक बार ज़रूर विज़िट करें चैनल पे और वाटरफॉल देखें कैसा है ऊपर में। लेकिन वाकई में भाई बहुत ही ज़्यादा थकान लगता है ऊपर चढ़ते चढ़ते, और आप बैठेंगे तो वाकई में सो भी सकते हैं, इतनी थकान रहती है। तो अभी हम लोग रानी झरना वाटरफॉल पहुँचने वाले हैं, और जैसे जैसे नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं वाटरफॉल का जो साउंड है, पानी की जो कलकल आवाज़ है, वो तेज़ होते जा रही है। तो अगर आप थक जाते हैं तो इस तरह से स्टिक कर सकते हैं जो सामने वाले भाई ने पकड़ा हुआ है। और ये देखिए वाटरफॉल, Yeah.